नमस्कार जी, झारखंड में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। देवघर के 400 शिक्षकों को मार्च से नहीं मिला है वेतन, प्रशासन दे रहा है ये दलील। देवघर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कार्यरत 400 शिक्षकों को मार्च से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि होली और ईद समेत त्योहार बीत चुके हैं। जबकि विभाग ने ईद से पहले के सभी लंबित मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में जब डीओ कार्यालय से संपर्क किया गया तो पता चला कि आवंटन का अभाव है। इस वजह से शिक्षकों में मायूसी छाई हुई है। उनका कहना है कि विभाग हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उनका कहना है कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों सहित एक अध्यापकों के वेतन का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन हमें अभी तक सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है। इस वजह से हमें घर चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू। झारखंड में अगले माह से करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप शिक्षक नियुक्ति में 10% आरक्षण के साथ रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को आरक्षण दिया गया है। विभाग की ओर से मिले निर्देश के आलोक में जिलों ने आरक्षण रोस्टर क्लियर करते हुए 25,996 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना शिक्षा विभाग को भेज दी है। अब विभाग नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजेगा। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए सीट से दोगुना आए आवेदन, 30 मई को परीक्षा। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए हजारों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं। सीट से दोगुना आवेदन आया है। अभिभावकों की मांग को देखते हुए सरकार ने आवेदन जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया है। इन स्कूलों में एडमिशन के लिए 25 मई 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 30 मई को परीक्षा है। इंतजार हुआ खत्म, इस दिन जारी होगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड में बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक ही दिन जारी करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड भी कर पाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इस वर्ष रिकॉर्ड समय सीमा के भीतर कॉपी की जांच हुई है। रिजल्ट 20 या 21 मई को जारी किया जा सकता है। हालांकि एकेडमिक काउंसिल की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। झारखंड का गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में मुंबई से हुई थी गिरफ्तारी। अपराध के दुनिया का सरगना झारखंड के गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को एटीएस ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची की अदालत में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आप सबको बता दूं कि झारखंड एटीएस की टीम ने मंगलवार को उसे मुंबई से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें मुंबई कोर्ट में पेश किया गया। दो नाबालिगों से गैंगरेप, आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, दो आरोपी और दो हमलावर अरेस्ट। गुमला शहर से सटे एक गांव में शादी समारोह से अगवा कर पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चियों सहित सात युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। 12 साल की बच्ची से दो और 15 साल की बच्ची से पांच युवकों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद मामला को दबाने के लिए गांव में बैठक कर दुष्कर्म की एक पीड़िता को पीटा गया, जिससे पीड़िता, उसकी माँ और दो बहनें डर से गाँव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर छिपकर रह रही है। घटना की सूचना पर गुरुवार की सुबह जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने गाँव गयी तो एक आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। टांगे के बेत से गुमला थाना के पुलिस अवर निरीक्षक विवेक चौधरी के सिर में चोट लगी है। पुलिस ने दुष्कर्म के दो आरोपी और दो हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के पांच आरोपी गांव से अभी भी फरार हैं। गांव में बैठक कर पीड़िता से मारपीट करने वाले लोग भी फरार हैं। आप सबको बता दूं कि घटना 1 मई 2023 की है। गांव में शादी समारोह जहां दोनों लड़कियां गई हुई थी, उसी शादी समारोह में सभी सातों आरोपी भी थे। रात 12 बजे तक शादी समारोह में नाच गान हुआ। इसके बाद दोनों लड़कियों को सातों युवक अपने साथ गांव में ही अर्धनिर्मित घर में ले गए, जहां दोनों लड़कियों के साथ युवकों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की एक पीड़िता ने 16 दिन बाद बुधवार को घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी की नानी को घटना के बारे में बताया। मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को गांव में बैठक बुलाई गई, जिसमें गांव के 20 से 25 लोग थे। बैठक में पीड़िता को भी बुलाया गया। पीड़िता घटना की जानकारी ग्रामीणों को दे रही थी। इसी दौरान अमृत नामक व्यक्ति ने एक पीड़िता को भारी बैठक में पीट दिया, जिससे पीड़िता डर गई, वह घर गई और माँ और बहनों के साथ गाँव छोड़कर कहीं चली गई। इधर गुरुवार की सुबह पीड़िता के पिता अपनी पत्नी और बेटियों को खोजने की लगाने मुखिया सत्यावती देवी के घर गया, जहां पहले से महिला समूह की महिलाएं बैठकर बैठक कर रही थी। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया।
सीएम हेमंत सोरेन आज नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार यानी कि 19 मई 2023 को खेलगांव स्थित टाना भगत इंदौर स्टेडियम में नवनियुक्त माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नवनियुक्त शिक्षकों को दोपहर 1 बजे सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। पलामू में लूट की घटना को अंजाम देने गिरोह के 4 सदस्य हुआ गिरफ्तार। पलामू में पुलिस पदाधिकारी बनकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कई हथियार, कारतूस, मोबाइल, सिम कार्ड आदि बरामद किया गया है। पुलिस को काफी दिनों से इस गिरोह की तलाश थी। पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। पलामू में बस और बाइक में जोरदार टक्कर, 2 की हुई मौत। प्रतिनिधि नवा बाजार औरंगाबाद मेदनी नगर मुख्य पथ NH 98 पर गुरुवार को सुबह औरंगाबाद की ओर से मेदनी नगर जाने के क्रम में सर्विस बस बाबा भोलेनाथ के द्वारा 2 अलग-अलग बाइक सवार 2 युवक को जोरदार धक्का मारने से घटनास्थल पर ही दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने औरंगाबाद मेदनी नगर मुख्य पथ को जाम कर दिया। 3 दिनों के झारखंड दौरे पर आ रहे हैं बिहार के मंत्री और जदयू प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी। कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे भाग। झारखंड जदयू के प्रभारी और बिहार के भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी 3 दिवसीय दौरे पर 19 मई को झारखंड आ रहे हैं। इस दौरान वे रामगढ़, हजारीबाग और चतरा जिले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान उनके साथ झारखंड जदयू के अध्यक्ष खीरू महतो होंगे। 3 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में डॉक्टर चौधरी 19 और 20 मई को रांची स्थित राजकीय अतिथिशाला में रात्रि विश्राम भी करेंगे। आप सबको बता दूं कि बिहार के भवन निर्माण मंत्री सह झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी शुक्रवार को करीब 12:45 पर सेवा विमान से पटना से रांची पहुंचेंगे। श्री चौधरी 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहा है। एयरपोर्ट पर जदयू के नेता और कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। झारखंड के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगा 4G मोबाइल नेटवर्क। इन 2 कंपनियों को मिला है जिम्मा। झारखंड के हर सुदूरवर्ती क्षेत्र के गांव में दिसंबर 2023 तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने को लेकर तेजी से काम चल रहा है। अब लगभग 1600 गांव ही ऐसा है जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, जबकि 1.5 साल पहले तक ऐसे गांव की संख्या 2299 थी। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि झारखंड के हर गांव में इस साल दिसंबर तक मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इसमें 4G सेचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत BSNL को कुल 1002 स्थानों पर मोबाइल टावर लगाना है। वहीं आकांक्षी जिलों में 326 और नक्सल प्रभावित जिलों में 82 टावर अलग अलग योजनाओं के तहत लगाए जा रहे हैं। पहली योजनाओं के तहत वैसे इलाकों में मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है या मोबाइल नेटवर्क है तो लोगों को 2G सेवा मिल रही है। इसे अपग्रेड करके 4G नेटवर्क में बदला जा रहा है। वहीं दूसरी योजना के तहत आकांक्षी जिलों में जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है वहां एयरटेल को कुल 326 टावर लगाने हैं। वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, झारखंड में 6 चरणों में बनेगी 6 लेन सड़क। वाराणसी से रांची होते हुए कलकत्ता तक 6 लेन की ग्रीन फील्ड परियोजना पर काम शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए झारखंड के 6 चरणों का टेंडर फाइनल हो गया है। अलग अलग एजेंसियों को इसका काम दे दिया गया है। झारखंड में करीब 200 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी जो चतरा जिले से शुरू होकर हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। पूरी सड़क पर 12,000 करोड़ से अधिक की लागत आने का अनुमान है। दुमका के बासुकीनाथ के शिवगंगा से निकले पताल महादेव, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ने लगी भीड़। बाबा फौजदारी नाथ की नगरी बासुकीनाथ में शिवगंगा की सफाई के दौरान वर्षों बाद निकले पताल महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भक्तों को पताल महादेव के दर्शन होने से श्रद्धालु खासे उत्साहित हैं। शिवगंगा की सफाई कार्य के लिए पिछले कुछ दिनों से झारखंड सरकार के विशेष प्रमंडल द्वारा शिवगंगा को सुखाकर सफाई किया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को कुंड की सफाई की गई। कठोर परिश्रम के बाद जब कुंड के कीचड़ की सफाई हुई तो भक्तों को पताल बाबा का दर्शन हुए। आप सबको बता दूं कि शिवगंगा की सतह से लगभग 15 फीट नीचे कुंड में सफाई के उपरांत स्वयंभू पताल शिव की पूजा शुरू हुई। पताल महादेव के पुजारी द्वारा स्वयंभू शिवलिंग की विधि विधान से पूजा की गई। पूजा अर्चना और आरती के क्रम में घड़ी घंटा, डमरू आदि मांगलिक वाद्य यंत्रों को बजाकर भक्तों ने पवित्र ध्वनियों को शंखनाद किया। इस क्रम में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के जयकारे भी लगाए। पुजारी ने कहा कि पताल महादेव की विधिवत पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। 15 जून तक लंबित योजनाएं करें पूरी, सभी प्रखंडों में लगाएं कृषि मेला, कृषि सचिव ने दिया निर्देश।
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने आदेश प्राप्त वित्त वर्ष 2022-23 की लंबित योजनाओं को किसी भी हाल में 15 जून तक पूरा करें। इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी तो संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 की तालाब डीप बोरिंग परकुलेशन की योजनाओं की स्वीकृति 31 मई तक सुनिश्चित करें। वहीं नेपाल हाउस स्थित विकास आयुक्त कार्यालय के सभागार में सभी जिलों से आए जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी एवं जिला सोयल कंजर्वेटिव पदाधिकारियों के साथ वे समीक्षा बैठक कर रहे थे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में कृषि से संबंधित मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन सुनिश्चित करें ताकि किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही विभाग के निदेशक यह सुनिश्चित करें कि विभाग की ओर से विभिन्न जिलों को आवंटित की गई राशि का व्यय नियमानुसार हो। उन्होंने कहा कि निदेशक इसकी मॉनिटरिंग खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि कैलेंडर तैयार कर मेले और प्रदर्शनी की तारीख तय की जाए तथा इसका व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि 15 जून तक सभी प्रखंडों में मेले का आयोजन सुनिश्चित होना चाहिए। प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में प्रधानमंत्री कृषि फसल राहत योजना का फ्लैक्स लगाया जाए ताकि किसान पूरी जागरूकता के साथ योजना का लाभ प्राप्त कर सके। वन माफिया की सक्रियता और विभागीय मैन पावर की कमी का दंश झेल रहा है पीटीआर, पानी और चारे की भी है कमी। झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व पीटीआर इन दिनों प्राकृतिक आपदा की तो मार झेल ही रहा है, दूसरी ओर शिकारियों और वन माफियों की सक्रियता भी काफी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इन वन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभाग पदाधिकारियों एवं कर्मियों की कमी की भी मार झेलनी पड़ रही है। पिछले साल पर्याप्त बारिश नहीं होने से यहाँ जहाँ जंगल के जलाशय सूखे पड़े हैं वहीं पानी और चारे की कमी हो गई है। जंगल के जानवर रिहायशी इलाके में पानी की खोज में भटकते हुए पहुंच रहे हैं, जहां पहले से मौजूद शिकारियों द्वारा उन्हें शिकार करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। वहीं अचानक से वन तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। जंगल को काटने वालों का गिरोह भी इन दिनों दोबारा सक्रिय हो गया है। हालांकि विभागीय पदाधिकारियों का दावा है कि शिकारियों की धरपकड़ और तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हजारीबाग के रिकॉर्ड रूम में घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, दस्तावेज सुरक्षित। हजारीबाग शहर के कोर्ट परिसर स्थित नक्शा रिकॉर्ड रूम में लगी आग को घंटों मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। बुधवार की शाम लगी आग की लपटें गुरुवार की सुबह भी देखने को मिली। उठती आग की लपटों को देखकर एक बार फिर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और कुछ देर बाद उस पर काबू पाया। इस दौरान रिकॉर्ड रूम में रखे कई सामान जलकर राख हो गए। रिकॉर्ड रूम से सटे दर्जनों फोटोकॉपी की दुकान, होटल, वेंडर गुमटी को बचाया गया। अग्निशामक प्रभारी राम यश सिंह ने बताया कि आग बुझाने में लगभग 70,000 लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ, वहीं 8 घंटा से अधिक समय लगा। गुरुवार की सुबह जिला जज ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं जिला नजारत शाखा कर्मियों ने आग पर काबू पाने के बाद शेड में ताला लगा दिया। फिलहाल कोर्ट परिसर में पहले की तरह स्थिति सामान्य बनी हुई है। आप सबको बता दूं कि ब्रिटिश शासन काल में 1834 को शेड बना है। इसका लंबाई 40 फीट है और चौड़ाई 30 एवं ऊंचाई लगभग 20 फीट है। स्टील से बने शेड आज भी कई मायने में मजबूत है। इसका सबूत इस बात से भी है कि आग लगने से अंदर रखे सभी सामान जल गए, लेकिन शेड को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा। लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में जुटी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बैठक में दिया मंत्र। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस मिशन मोड में जुट गई है। गुरुवार को धनबाद एवं बोकारो जिले के विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित हुए। श्री ठाकुर ने कहा कि आज पूरे देश कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। लोग केंद्र की भाजपा नीत सरकार एवं राज्यों में भाजपा सरकारों की नीतियों एवं निर्णयों से बेहद नाराज है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सहयोग से गठबंधन की सरकार चल रही है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बतौर पदाधिकारी हमारा और आप सभी का चयन हुआ है, जनता का काम ज्यादा से ज्यादा हो इसमें हम सभी को सहयोग करना है। राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री देखना है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों को पूरा करने की लड़ाई बूथ स्तर तक लड़नी होगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर हर स्तर संघर्ष तेज करना होगा। हमें आगामी चुनाव के मद्देनजर हर सीट पर अपनी मजबूत तैयारी करनी है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।